हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हमें एक फॉर्म प्रिंट करना है पेट्रोल पंप का। इस फॉर्म को हमें मात्र 200 क्वांटिटी में प्रिंट करना है। तो दोस्तों, हमने इसका जो है प्रिंट बना लिया है अपने कंप्यूटर पर, इसकी डिज़ाइन कर ली है। और इस डिज़ाइन करने के बाद हमें इसे इस प्रिंटर से प्रिंट निकाला है। ये हमारा लेजर प्रिंटर है, इस लेजर प्रिंटर से हमने इस प्रिंट को निकाला है, क्योंकि मास्टर प्रिंट जो है वो लेजर प्रिंटर से ही निकलता है। सही इस प्रकार से हम इसे निकाल लेते हैं। ये मास्टर प्रिंट दोनों तरफ काम में आता है, इसमें आप दोनों तरफ प्रिंट निकाल सकते हैं। दोनों तरफ प्रिंट निकाल कर हम इसे दोस्तों फ्यूज करेंगे फ्यूजर में। फ्यूजर में फ्यूज करने के लिए हमें अपनी यूनिट जो है अपनी बेकिंग यूनिट, उस पर चलना पड़ेगा। हमारी बेकिंग यूनिट है हमारा फ्यूजर, ये है हमारा फ्यूजर। ये फ्यूजर हमने ऑन कर दिया है। इसमें एक टाइमर होता है, जिसमें हम टाइमर से इसे कम ज़्यादा सेट कर लेते हैं इसकी हीट को। तो अभी हमने हीट सेट कर ली हुई है और अब हम इसे फ्यूजर में बेकिंग करने के लिए इसे रख देंगे बेक करने के लिए। ये पक जाएगा मास्टर, और पकने के बाद इसके जो लेटर्स हैं वो इस पर सेट हो जाएंगे, ये छूटेंगे नहीं। प्रिंटिंग के बाद मशीन पर जब ये चलेगा तो ये लेटर्स छूटेंगे नहीं। अगर हम इसे बिना फ्यूज किए हुए फ्यूजर में और इसे मशीन पर लगा देंगे तो ये पूरा मास्टर साफ़ हो जाएगा, इस पर कोई भी अक्षर नहीं रहेगा। तो इसे फ्यूज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फ्यूज करने पर हम इसे चेक करेंगे कि अच्छे तरीके से फ्यूज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि फ्यूज होने पर ये एकदम अच्छे तरीके से जितने भी लेटर हैं सब हम लाइट पर देखने पर ये लेटर्स चमकेंगे, ये लेटर्स चमक आ जाती है इनमें। तो समझ लीजिए कि हमारा मास्टर अच्छे तरीके से फ्यूज हो गया है। और इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक फ्यूजर में नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा और फिर प्रिंटिंग नहीं हो सकेगी। तो आप इसे मात्र 2-3 मिनट ही अपनी टाइमिंग के हिसाब से देख लीजिए आपका फ्यूजर कितनी देर में गर्म हो रहा है। तो हम इसे 2-3 मिनट के लिए देखने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम पलट कर फिर से लगा देंगे, क्योंकि ये शुरू स्टार्टिंग में तेज़ गर्म होता है और पीछे साइड कम गर्म होता है। तो इसे पलटाना बहुत ज़रूरी है। इसे आप पलट दें तो ये दोनों तरफ बिल्कुल एक सा फ्यूज हो जाएगा। तो चलिए, हमारे 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हम इसे अपने फ्यूजर से निकाल कर चेक करते हैं कि ये सही फ्यूज हुआ है या नहीं। हम इसे निकाल लेते हैं अपने फ्यूजर से। हमारे मास्टर पर चमक बहुत अच्छी आ चुकी है, हमारा मास्टर अच्छी तरीके से फ्यूज हो चुका है। और फ्यूज होने के बाद दोस्तों अब हमें तैयारी करनी है इसे मशीन पर प्लेट लगाने की। अब हम इसे मशीन पर सेट करते हैं। मशीन पर सेट करने के लिए हमें इसे पहले हमें इसे पानी में भिगोना पड़ेगा। मास्टर को पहले हम पानी में भिगो लेंगे। अब ये भीग चुका है और ये अब मशीन पर अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, सिलेंडर पर चिपक जाएगा। और अगर इसे हम सूखा लगाएंगे तो इसमें सल पड़ जाएंगी और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे पानी में भिगो कर ही लगाना चाहिए। और ये हमारा जो ग्रिप है मशीन का, इस ग्रिप के अंदर हम इसे अटैच कर देंगे, दबा देंगे। इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कहीं कम ज़्यादा सेटिंग ना हो, नहीं तो तिरछा लग जाएगा, तो तिरछी ही प्रिंटिंग होगी। इसी आप सीधा सेट कर लीजिए और ये हमारा सिलेंडर पर अच्छे तरीके से मास्टर चिपक चुका है। अब इसे हम साफ़ कर लेंगे साबुन से, क्योंकि इस पर जो डस्ट वगैरह है, धूल वगैरह है और कुछ दाग हैं वो हम छुटा लेंगे इस स्पंज से। ये है स्पंज, आपको कहीं भी प्रिंटिंग मटेरियल की दुकान पर मिल जाएगा, जहाँ पर इंक वगैरह, लाल और फाउंटेन पानी ये सब मिलता है, वहाँ पर आपको ये स्पंज मिल जाएगा। स्पंज लीजिए, इसमें हम कोई भी साबुन, कपड़े की साबुन से साफ़ करेंगे। कोई भी कपड़े की साबुन आप ले लीजिए और इस पर इस स्पंज में लगाइए और इस मास्टर पर रगड़ दीजिए, तो इस पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब साफ़ हो जाएंगे और हमारी प्रिंटिंग अच्छी आएगी। साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से मास्टर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए, जहाँ जहाँ आपको दाग दिख रहे हैं वहाँ अच्छे तरीके से रगड़ कर साफ़ कर दीजिए।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें प्रिंटिंग की तैयारी करनी चाहिए किसी मैटर को प्रिंट करने के लिए ऑफसेट पर। ऑफसेट पर प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटर से प्रिंट निकालना पड़ेगा, मास्टर को फ्यूज करना पड़ेगा और प्रिंटिंग मशीन पर लाकर उसे साफ करके और प्रिंटिंग तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अगला वीडियो इसी फॉर्म का प्रिंट करने वाला लेकर आएंगे आपके सामने, तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।